तोरण सिंह उर्फ टीटू का जन्म 11 दिसंबर 1982 को आगरा शहर से 13 किलोमीटर दूर बाड़गांव में हुआ था। लेकिन टीटू अभी 2 साल का भी नहीं हुआ था कि उसने साफ साफ बोलना शुरू कर दिया था। सुनने में तो ये हर माँ बाप के लिए खुशी की बात होती है कि उनका बच्चा 2 साल की उम्र से ही बोलने लग जाए, लेकिन टीटू की ये क्वालिटी उसके माँ बाप के लिए खुशी से ज्यादा चिंता का कारण बन गई थी। टीटू जब 2 साल का हुआ तो अजीब तरह की बातें करने लगा था। मेरे पिताजी से कहना कि वो मेरी बीवी और बच्चों का ध्यान रखे क्योंकि मुझे उनकी फिक्र हो रही है। जब टीटू की माँ ने पूछा कि वो किसकी बात कर रहा है तो उसने बताया कि वो अपने असली परिवार की बात कर रहा है जो इस वक्त आगरा में है। वो बार बार अपनी माँ से कहता कि तुम लोग मेरे असली माँ बाप नहीं हो और मेरे असली माता पिता आगरा में है। वो कहता कि आगरा में उसके 2 भाई और 1 बहन भी है और वो उनसे मिलना चाहता है। इतना कहकर वो अचानक से रोना शुरू कर देता और अपनी माँ से कहता कि मैं तो यहाँ बस यूं ही आ गया हूँ और मुझे मेरे असली घर जाना है, मुझे वहाँ की बहुत याद आ रही है। शुरू में तो घर वालों ने टीटू की इन बातों को उसकी एक इमेजिनेशन समझकर उसे नजरअंदाज किया। लेकिन टीटू जब 5 साल का हुआ तो उसने जो बातें और हरकतें करनी शुरू की उसने उसके माँ बाप को गहरी चिंता में डाल दिया। एक दिन टीटू ने अपने घर वालों से कहा कि उसका असली नाम सुरेश वर्मा है और उसकी पत्नी उमा से उसको 2 बेटे हैं जिनका नाम रोमू और सोमू है। जी मेरा फोटो है सुरेश का। रोमू सोमू मेरे लल्लू का नाम है, बच्चों का उमा मेरी बहू है। उसका आगरा में एक बंगला है और सदर बाजार में सुरेश रेडियोज नाम से दुकान भी है। टीवी रेडियो वीडियो सोचिए इनकी दुकान है वो मेरी 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 है। उसने ये भी बताया कि कैसे शाम को अपनी कार से घर लौटते वक्त 2 आदमियों ने आकर उसके सिर पर गोली मार दी थी जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। और इतना ही नहीं उसने ये भी बताया कि कैसे उसका अंतिम संस्कार किया गया था। कभी कहता है मेरे गोली मारी, कभी कहता है मेरे माता पिता तुम नहीं हो, कभी कहता है मुझे हॉस्पिटल ले जाने के बाद में शमशान भूमि ले गए, शमशान भूमि में आग लगा दी, आग लगाने के बाद में लोगों ने पानी डाल दिया और पानी डाल के मुझे यमुना में फेंक दिया। पिछले 3 सालों से उसके घर वाले उसकी ऐसी ही अजीबोगरीब बातें सुनते आ रहे थे, लेकिन इस तरह की बात वो पहली बार कर रहा था। एक 5 साल का बच्चा अपनी पत्नी और बच्चे होने की बात करने लगा था और ये भी बताने लगा कि कैसे पिछले जन्म में उसकी मौत हुई थी। जब ये खबर गांव वालों के बीच पहुंची तो उन्हें सिर्फ एक ही बात लग रही थी और वो ये थी कि टीटू के ऊपर भूत आ गया है। भूत प्रेत की कहानियां तो वैसे भी हमारे गांव में सबसे पहले आ जाती है, तो यहां भी यही हुआ। टीटू का स्वभाव अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा अलग हो गया था। था तो वो एक 5 साल का बच्चा ही, लेकिन उसका हाव भाव और बोलने का तरीका बड़ों जैसा हो गया था। वो अपने माँ बाप की गरीबी का मजाक उड़ाने लगा था। टीटू अपनी माँ से कहता कि मेरी बीवी तो महंगी महंगी साड़ियाँ पहनती है, इसलिए तुम ऐसी फटी पुरानी साड़ी पहनकर बाहर मत जाया करो। तो मम्मी मेरी उम्र तो 2000 की साड़ी पहनती है, तुम गंदी धोती से बाहर मत जाओ करो। वो ये भी कहता कि मैं इस गंदे से घर में नहीं रह सकता, ना तो यहाँ कोई टीवी है और ना ही मेरी कार, इसलिए मैं अपने बंगले में रहने जा रहा हूँ। इतना कहकर वो बिल्कुल एक बड़ी उम्र के आदमी की तरह एक बैग निकालकर उसमें अपने कपड़े पैक करने लगता। जब घर वाले उसे रोकते तो वो उन्हें घर से भाग जाने की धमकी देता। झोला अपने छोटे छोटे कपड़ा भरे और झट चल ले। वो कभी भी कहीं पर पैदल या बस से जाने को तैयार नहीं होता और कहता कि उसको सिर्फ अपनी कार से ही चलने की आदत है। साधारण तो है और बहुत ही साधारण है, बच्चों में खेलता है कूदता है, लेकिन कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे काम भी कर डालता है जो कि बड़े बड़े हम लोग इस उम्र पे भी नहीं कर सकते। टीटू अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटा था। उसका इस तरह का बर्ताव उसके माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बन चुका था, इसलिए उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे अशोक से इन सब बातों की सच्चाई पता करने के लिए कहा। आखिर ये सब बातें कहाँ से आ रही थी, क्या कोई उसे ये सब सिखा रहा था या ये सिर्फ टीटू की एक कल्पना मात्र थी। इन सब बातों की सच्चाई को पता करने के लिए टीटू का बड़ा भाई अशोक गाँव से आगरा के सदर बाजार की ओर चल पड़ता है। क्योंकि
टीटू अक्सर यही बोलता था कि उसका सुरेश रेडियोज नाम से वहाँ पर एक दुकान है। अशोक वहाँ पहुँच कर इस नाम के दुकान को ढूंढने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद ऐसे नाम की दुकान न मिलने पर वो एक जगह थक कर बैठा ही था कि उसकी नज़र एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था सुरेश रेडियोज, वही नाम जिसका जिक्र टीटू करता रहता था। अशोक एकदम चौंक गया। क्या टीटू की कही बाकी बातें भी सच थी? क्या टीटू सुरेश वर्मा का ही पुनर्जन्म था या फिर ये कोई इत्तफाक था? साल 1983 आगरा। सुरेश आगरा का एक बिजनेसमैन था जिसकी सदर बाजार में सुरेश रेडियोज नाम से एक दुकान थी। सुरेश का आगरा में एक बंगला भी था जिसमें वो अपनी पत्नी उमा और अपने दो बच्चों सहित माँ बाप के साथ रहता था। टीटू के जन्म से 4 महीने पहले शाम के वक्त सुरेश अपनी कार से घर वापस लौट रहा था। सुरेश ने गाड़ी अपने घर के गेट के सामने रोक कर हॉर्न बजाया ही था कि इतने में दो बदमाश भागते हुए उसके पास आए और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उन बदमाशों ने उस पर गोलियां चला दी। गोलियों की आवाज सुनकर जब तक घर वाले भागकर बाहर आ पाते तब तक सुरेश की जान जा चुकी थी। तो वहाँ कोठी के पास ही पहुंचे थे, 2-3 हॉर्न दिए थे, उसमें हम निकल के आए और भी आदमी थे, वो निकल के आए। जब तक मतलब काफी जोर से आवाज आई थी और उस आवाज में सबने कहा सुरेश की गाड़ी की स्टेपनी खराब हो गई है, मगर जब गोलियों की आवाज थी बाहर निकल के देखा तो मैंने कहा अंदर आई है तो आई नहीं। मैंने वो सोचा कि इस कंडीशन में कभी आते भी नहीं है। मैं गाड़ी के पास गई और मैंने ऐसा लगा तो हाथ पकड़ के, तो मेरी सिर चीख निकल गई, किसी ने गोली मारी है। गोली सुरेश के सिर के दाईं तरफ लगी थी और दोनों बदमाश मौके से भाग गए थे। क्योंकि ये घटना शाम के समय हुई थी इसलिए पुलिस को ऐसा एक भी गवाह नहीं मिला जिसने उन बदमाशों का चेहरा देखा हो, लिहाजा बिना किसी को सजा हुए पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया। सुरेश जा चुका था, दो बच्चे, बूढ़े माँ बाप और घर चलाने की जिम्मेदारी अब उसकी पत्नी उमा पर थी, इसलिए अब सुरेश की जगह उसकी पत्नी उमा दुकान संभालने लगी। अब चलते हैं यहाँ से 5 साल आगे 1988 में, उसी दिन जहाँ टीटू का बड़ा भाई अशोक उसी दुकान के सामने हैरान खड़ा हुआ था। अशोक दुकान के अंदर जाता है जहाँ उसे एक औरत मिलती है। बात करने पर पता चलता है कि वो सुरेश की वाइफ उमा है। अशोक उनसे कहता है कि वो सुरेश से मिलना चाहता है, जिस पर उमा उसे पूरी बात बताती है। अशोक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि जो जो बातें उमा ने उसे बताई वो सारी बातें टीटू बोला करता था। पत्नी का नाम, बच्चे, दुकान का नाम, उसकी मौत कैसे हुई, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही। वहीं दूसरी तरफ सुरेश की पत्नी उमा ने अशोक से पूछा कि वो आखिर है कौन और उसको सुरेश से क्या काम था। अशोक ने उमा को बताया कि वो आगरा से 13 किलोमीटर दूर बाड़ गांव में रहता है और उसने अपने यहाँ आने की पूरी वजह बताई। अशोक की बातें सुनकर उमा पूरी तरह से शॉक्ड हो गई। ऐसी बातों पर विश्वास करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है और वही उमा के साथ भी हुआ। उमा ने अशोक से कहा कि हो सकता है टीटू को ये सब बातें किसी ने बताई हो क्योंकि ये उस समय का सबसे बड़ा केस था। इस पर अशोक ने उमा से कहा कि टीटू ये सब बातें तब से कर रहा है जब उस उम्र के बच्चे ठीक से बोलना भी नहीं शुरू करते। एक तरफ उमा इन सब बातों से उत्सुक भी थी तो वहीं दूसरी तरफ मन में उठ रहे ढेरों सवालों से कंफ्यूज भी। उसके बाद उमा अपने सास ससुर यानी सुरेश के माता पिता को पूरी बात बताती है जिसे सुनकर वो भी कुछ देर के लिए अचंभे में पड़ जाते हैं, लेकिन एक तरफ ये सोचकर खुश भी होते हैं कि उनका बेटा वापस आ गया है। ये सोचा का सी फिर से अपना बच्चा है ये, और 20% जरा सकता मुझे उसके ऊपर। जब भी मेरी तबीयत 2-4 बार मेरे घर पर भी मेरे पास आया वो, और चिपट गया उससे। अशोक ने सच को और पुख्ता करने के लिए सुरेश के परिवार वालों से अपने गांव बाढ़ आने के लिए कहा। अशोक ने कहा कि अचानक घर चलकर देखते हैं कि टीटू आप लोगों को देखकर पहचान पाता है या नहीं। बेचैनी, घबराहट और जिज्ञासा जैसे अनेक भावनाएं दिल में लिए सुरेश के परिवार वाले अशोक के साथ टीटू से मिलने के लिए चल देते हैं। वही टीटू जिसमें शायद उनको अपना सुरेश दोबारा देखने को मिल जाए। जैसे ही अशोक सभी को लेकर घर पहुंचा तो उस समय टीटू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, लेकिन जैसे ही उसने सुरेश के परिवार वालों को देखा तो वो भागता हुआ उनके पास पहुंचा और अपने माता पिता के गले लग गया। वो जोर जोर से बोलने लग गया, देखो मेरे माँ बाबूजी आ गए। उमा आई, पापा जी आए,
माता जी आई सब आए। टीटू अपने माँ बाप को बुला कर लाया और सुरेश के माता पिता को ही अपने असली माँ बाप बताने लगा। लेकिन जैसे ही टीटू की नज़र उमा पर पड़ती है, वो अचानक एक बड़ी उम्र के आदमी की तरह व्यवहार करने लगता है। वो उमा को अपने बगल में बैठने के लिए कहता है और उससे बच्चों का हालचाल पूछने लगता है। उसी दौरान टीटू उमा से ढोलपुर के मेले से जुड़ी कुछ बात करता है, जिसे सुनते ही उमा पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि ये सब बातें सिर्फ सुरेश और उमा के बीच ही हुई थी। मिलने के बाद जब सब वापस जाने लगे तो टीटू ने सोचा कि अब वो भी उनके साथ आगरा जा रहा है। लेकिन जैसे ही उसे ये पता चला कि वो लोग उसे अपने साथ आगरा नहीं ले जा रहे हैं, तो वो बुरी तरह से भड़क गया, अपनी माँ पर चिल्लाने लगा, अपने पिता से हाथापाई करने लगा। टीटू भाग कर सुरेश के पिता के गले लग गया, क्योंकि उसके लिए वही उसके असली पिता थे। फिर उन्होंने ही उसे प्यार से समझाया और वादा किया कि वो जल्दी ही उससे मिलने आएंगे। उसके बाद आखिर में ये निर्णय हुआ कि टीटू को एक दिन आगरा बुलाया जाए, ताकि वो अपने पिछले जन्म की यादों को कंफर्म कर सके। टीटू ने अब तक न सिर्फ दावे के मुताबिक अपने पिछले जन्म के माँ बाप को पहचान लिया था, बल्कि अपनी पत्नी और उससे की गई पर्सनल बातों का भी खुलासा कर दिया था। इससे ये संदेह तो काफी हद तक दूर हो गया था कि ये सब जानकारी उसे कहीं से पढ़कर नहीं मिली थी। लेकिन दूसरी तरफ इससे टीटू के माँ बाप की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई थी। एक माँ बाप के लिए इससे बुरा क्या होगा जब उनका बेटा किसी और को अपने माता पिता मानने लग जाए। माँ को माँ नहीं समझता है, पापा को पापा नहीं समझता है, भाइयों को भाई नहीं समझता है, और हमेशा इसी रट में लगा रहता है कि मैं आपके यहाँ तो दिन काट रहा हूँ। बहरहाल टीटू को आगरा लाया जाता है। लेकिन टीटू को जब कार में बिठाकर सुरेश के दुकान की तरफ ले जाया जा रहा था, तो सुरेश के भाइयों ने गाड़ी दुकान पर ना रोककर तेजी से दुकान के सामने से निकल गए, ये देखने के लिए कि टीटू वो जगह पहचान पाता है या नहीं। लेकिन जैसे ही गाड़ी दुकान के सामने से आगे निकल जाती है, वो जोर से आवाज लगाता है, रोको रोको, मेरी दुकान तो पीछे ही रह गई, तुम आगे कहाँ चले जा रहे हो। उसने वो जगह, मार्केट और अपनी दुकान कार के अंदर बैठे बैठे ही पहचान लिया था। ये वही कर सकता था जो हजारों बार उन रास्तों से गुजरा हो। कार से उतरकर टीटू दुकान के अंदर जाता है, लेकिन उसकी चाल ढाल और बॉडी लैंग्वेज एक 5 साल के बच्चे की नहीं, बल्कि एक शोरूम के मालिक के जैसी हो जाती है। उमा ने देखा कि वो जिस तरह से कुर्सी पर बैठा और टेबल पर उसके हाथ चलाने का तरीका सब कुछ हूबहू सुरेश जैसा ही था। इतना ही नहीं, टीटू उमा को हाथ से इशारा करते हुए बताता है कि दुकान का कौन सा हिस्सा बदला गया है और कौन सा हिस्सा उसके यानी सुरेश के जिंदा रहते वैसे का वैसा था। दुकान के बाद टीटू को सुरेश के घर लाया जाता है, लेकिन उसके आने से पहले ही सुरेश के दोनों बच्चों को मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन टीटू यहाँ पर भी फेल नहीं होता है और वो उन मोहल्ले के बच्चों के बीच से सुरेश के दोनों बच्चों के हाथ पकड़कर सुरेश के घर ले आता है। सभी के लिए इतने सबूत काफी थे ये मानने के लिए कि टीटू सिंह ही सुरेश वर्मा का पुनर्जन्म है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मीडिया में जब इस केस का खुलासा हुआ, तो इसकी जानकारी डॉक्टर इयान स्टीवेंसन को होती है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के एक जाने माने प्रोफेसर थे और उनकी पुनर्जन्म पर की गई साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी वो काफी फेमस थे। साल 1988 में ही एंटोनिया मिल्स, जो कि डॉक्टर इयान स्टीवेंसन के साथ रिसर्च टीम में थी, डॉक्टर इयान स्टीवेंसन की एडवाइस पर वो टीटू के केस को स्टडी करने लगती है। सुरेश के घर वालों ने बताया था कि सुरेश का स्वभाव काफी गुस्से वाला था और वो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा कर लेता था। डॉक्टर मिल्स ने भी ये नोटिस किया कि टीटू का स्वभाव भी इसी तरह का होता जा रहा था, जिसका जिक्र डॉक्टर मिल्स ने अपनी रिसर्च पेपर में भी किया है। अब एक बड़ा सवाल ये था कि क्या टीटू को सुरेश के हत्यारों के बारे में पता था? क्या टीटू ने उन कातिलों का चेहरा देखा था जिसने उसकी पिछले जन्म में जान ली थी? एक 5 साल के बच्चे ने अब ऐसे खुलासे किए जिसने मीडिया जगत में सनसनी फैला दी। टीटू ने बताया कि 28 अगस्त 1983 की शाम को घर लौटते वक्त जब उसे गोली मारी गई थी, तो उसने उन दो कातिलों में से एक को पहचान लिया था और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि सुरेश का ही एक साथी बिजनेसमैन था।
उसके बाद आगरा पुलिस ने टीटू के बयान के आधार पर उस आदमी को उठा लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद उस आदमी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और इस कबूलनामे के आधार पर 1983 सुरेश वर्मा मर्डर केस को फिर से रीओपन किया गया। ये पहली बार था जब पुनर्जन्म से जुड़ा कोई केस कोर्ट में आया था। अदालत में गवाही देने के लिए टीटू को बुलाया जाता है। टीटू ने भी सुरेश के मर्डर से जुड़ी सारी बातें कोर्ट में बताई। केस के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट थे सुरेश का पोस्टमार्टम रिपोर्ट और टीटू का बर्थमार्क। सुरेश के सिर पर जिस तरह गोली मारी गई थी, ठीक उसी तरह के दो निशान टीटू के सिर पर भी थे। जब उसके बाल हटाए गए तो उसके सिर पर भी बिल्कुल वैसे ही दो निशान मिले, जिसका साइज और शेप सुरेश के सिर पर लगी गोली के एंट्री और एग्जिट पॉइंट से हूबहू मिलता था। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने भी अपनी पुनर्जन्म पर की गई रिसर्च में बताया है कि बर्थ मार्क और पिछले जन्म में लगी चोट के निशान के बीच गहरा संबंध होता है और यही बातें हिंदू धर्म ग्रंथों में भी लिखी हुई है। कोर्ट में डॉक्टर एंटोनिया मिल्स के टीटू से जुड़े रिसर्च पेपर भी दिखाए गए। प्रस्तुत किए गए सभी सबूतों के आधार पर आगरा की अदालत ने यह फैसला सुनाया कि टीटू ही वास्तव में सुरेश वर्मा का पुनर्जन्म है, जिसके बाद सुरेश के हत्यारों को सजा हुई। ये एक क्रांतिकारी और विवादास्पद फैसला था और उस समय ये खबर पूरे देश के अखबारों के पहले पन्ने पर छपी थी। उन अपराधियों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसकी हत्या करके वो बच निकले थे, वो दोबारा जन्म लेकर फिर लौटेगा उनको उनके किए की सजा दिलाने। अब एक आखिरी बड़ा सवाल ये था कि क्या टीटू अपने पिछले जन्म वाले परिवार के साथ आगरा चला जाएगा या फिर वो अपने इसी जन्म वाले माता पिता के साथ गांव में ही रहेगा। सुरेश के घर वालों का कहना था कि सुरेश भले ही टीटू के रूप में वापस आ गया था, लेकिन वो सुरेश तो नहीं था। माना कि आत्मा वही थी, लेकिन शरीर तो एक बच्चे का था। ना उमा के लिए वो उसका पति रह गया था और ना ही उसके बच्चों के लिए वो एक पिता। सुरेश के माँ बाप भी जानते थे कि अगर मुंह में उन्होंने टीटू से नजदीकियां बढ़ाई तो टीटू के माँ बाप जीते जी अपने बेटे से दूर हो जाएंगे और एक बेटे को खोने का दर्द वो पहले से ही जानते थे। इसलिए दोनों परिवारों ने आपस में मिलकर ये निर्णय लिया कि अपनी अपनी जिंदगी में वापस लौट जाना ही बेहतर है। टीटू ने भी गांव में ही रहकर पढ़ाई लिखाई की और पिछले जन्म की यादों के साथ ही अपने बचपन को जिया। लेकिन इस दौरान अक्सर सुरेश के घर वाले टीटू से मिलने आया करते थे और टीटू भी उनसे मिलने आगरा जाया करता था। आज टीटू उर्फ तोरण सिंह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं और उन्होंने योगा में मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की है। उन्हें आज भी अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद हैं और वो अक्सर आगरा अपने पिछले जन्म के परिवार वालों से मिलने भी जाते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को धोखे से, कपट से या अन्य किसी प्रकार की यातना देकर मार दिया जाता है तो वो आत्मा अपना बदला लेने के लिए अवश्य पुनर्जन्म लेती है, जैसा कि सुरेश के केस में हुआ। जिन व्यक्तियों की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है उन व्यक्तियों को अखंड रूप से सत्ता का ज्ञान पूर्व जन्म का बना रहता है। आप चाहे पुनर्जन्म पर विश्वास करते हो या ना करते हो, लेकिन सच तो यही है कि लाइफ एक सर्कल की तरह है और आप अपनी लाइफ में जो भी करते हैं, सही या गलत, वो घूम फिर कर एक दिन आपके पास वापस आ ही जाता है।